सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन ए सीरीज सर्किट इज बैटरी एंड रेजिस्टेंस। कहता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, या तो वो ऑप्शन देखो पीएन जंक्शन है, पी टाइप है और एन टाइप है और प्योर सेमीकंडक्टर है। अगर उसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं विद ए रेजिस्टेंस, कनेक्टेड इन सीरीज बैटरी विद रेजिस्टेंस, करेंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट। अगर एक डिवाइस है, चलो ये एक डिवाइस है, यहाँ से हमने एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया, हमें नहीं पता वो पी टाइप एन टाइप है, लेकिन बगल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इस डिवाइस को प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पर कुछ करंट मिल रही है ऐसे, ये डिवाइस कनेक्ट करने पे कुछ करंट मिला है। अब कहता है इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स, दूसरे केस में ये जो बैटरी की पोलैरिटी है ऐसे थी और दूसरे केस में बैटरी की पोलैरिटी हम निगेटिव और प्लस माइनस ऐसे कर दिए रिवर्स। अगर पहले कोई भी डिवाइस लगा होगा जैसे पी टाइप या एन टाइप, तो हमने जैसे ही पोलैरिटी बदल दी वैसे ही करंट ऑलमोस्ट ड्रॉप टू जीरो। हाँ, बड़ा अजीब सा चीज़ देखने को मिला कि ये जो करंट आई थी, पहले आई थी तो अब करंट अप्रोच टू जीरो, लगभग सर्किट में करंट जीरो हो गया, तो वो डिवाइस क्या होगी? हम सबको पता है कि वो डिवाइस अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता तो पोलैरिटी चेंज करने से करंट इफेक्ट नहीं होती। इंटरेस्टिंग, प्योर सेमीकंडक्टर रहता, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर रहता तो पोलैरिटी चेंज करने से इफेक्ट नहीं होता। पीएन जंक्शन है, क्योंकि पीएन जंक्शन जब ऐसे था अच्छी खासी करंट मिल रही थी, तो जंक्शन यहाँ जो फॉरवर्ड बायस में था, जंक्शन क्या था फॉरवर्ड बायस में, रेजिस्टेंस इसकी जीरो थी और अच्छी खासी करंट मिले, जब आप पोलैरिटी चेंज कर दिए तो यहाँ जो डायोड है वो रिवर्स बायस में आ गया और उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी चली गई, जिसकी वजह से करंट जीरो हो जाएगा। आइडियल केस में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी और रिवर्स केस में और फॉरवर्ड में जीरो कंसीडर करेंगे। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है और ये रहता तो ये इफेक्ट नहीं होता। चलो जल्दी से इसको कर लेते हैं। ट्रांसफर रेशियो ऑफ द ट्रांजिस्टर इज बीटा,